हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में एडुटेरिया का बिहार पुलिस का सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन कराया जा रहा। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि आपको आगामी बिहार पुलिस एग्जामिनेशन जो कि 1 अक्टूबर से प्रारंभ है और उसके लिए और बिहार दरोगा के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण फायदे रहेगा, क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है। आइए देखते हैं, और अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। करा पहला हिंदी का प्रश्न है, पढ़ना का क्रिया भेद क्या होता है? तो पढ़ना का क्रिया भेद, पढ़ना जो है सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। पयोधि समानार्थी शब्द है किसका? तो पयोधि जो समानार्थी शब्द है वह है समुद्र का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि दूध या दुग्ध, ये दोनों एक ही है, समानार्थी है और इसका होता है पय या क्षीर। अगला जो ऑप्शन नंबर सी में बारी है, इसका होता है पानी का समानार्थी शब्द है। अधिकरण कारक के चिन्ह कौन है? अधिकरण का जो कारक चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण में होता है मे पर, जबकि का के की यह होता है संबोधन का प्रतीक चिन्ह, संबोधन कारक का। जबकि से होता है करण का और अपादान का, ये दोनों का से होता है, दोनों का अलग अलग सेंस होता है, एक जुड़ाव में और एक अलग होने के संदर्भ में। को के लिए यह जो होता है संप्रदान कारक का होता है। सभी का जान लिए हैं, अगर इसका आंसर करेक्ट डी नंबर होगा। वृद्धि का विलोम शब्द क्या होगा? वृद्धि का जो विलोम होगा क्षय होगा। शैशव शब्द से बना संज्ञा शब्द क्या है? तो शैशव जो शब्द बना संज्ञा या जो है भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कृत के जो शब्द मूलतः हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो जो संस्कृत का शब्द है मूलतः संस्कृत की तरह ही हिंदी में प्रयोग होता है वह तत्सम कहलाते हैं, और जो परिवर्तन करके उपयोग किया जाता है वह तद्भव कहा जाता है। भर पेट किस समास का उदाहरण है? तो भर पेट जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। कवि का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, उसमें हर्षई होगा ये और त्रि दीर्घई होगा। हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितने होते हैं? तो व्यंजनों की संख्या 33 होते हैं। त का उच्चारण होता है कहाँ से? त का उच्चारण जो होता है दंत से। अगला इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स, जीरण भरना है। तो आई एम ए फर्स्ट टू क्या होगा? तो यहाँ पे वी फोर लगेगा तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। अगला पर संख्या देखते हैं, 12 नंबर करा कि फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। यहाँ पे करा है द ऑफ द कैट्स आर शार्प, यहाँ हो जाएगा पी ए डब्ल्यू एस, बिल्ली का जो पंजा होता है उसके लिए पी ए डब्ल्यू एस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। करा कि एडजेक्टिव बताना है अफेक्शन, अफेक्शन मतलब क्या होता है? स्नेह, तो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा स्नेही, तो स्नेही होता है अफेक्शनेट, मतलब ऑप्शन नंबर डी। अफेक्शन माने स्नेह होता है और अफेक्शनेट का हो जाएगा स्नेही। अगला पर संख्या है बताना है फिल इन क्या भरना है, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज स्पीच वाच क्या होगा? तो स्पेल बाउंड, उसका भाषण जो है मंत्र मुग्ध था, मंत्र मुग्ध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्पेल बाउंड। अगला पर संख्या, इसमें बताना है प्रीपोजिशन भरना है, तो ही ट्रेवल्स बाय कार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है करा कि लेट अस प्ले द चेस होगा, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स की जगह च भराएगा, द भराएगा। यहाँ पे बताना एंटोनिम बताना, प्रीटी का जो मीनिंग होता है प्रीटी मीन होता है सुंदर, तो इसका उल्टा हो जाएगा बदसूरत, उगली मिस होता है बदसूरत, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताना है वर्ब बताना है नाउन जो भरना, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन माने होता है आवेदन और अप्लाई मिस होता है आवेदन करना, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला बताना इट इज नॉट इजी क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा टू प्लीज ऑल पीपुल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। अगला पर संख्या करेक्ट प्लुरल फॉर्म बताना है, तो हो जाएगा थीप, थीप मिस चोर होता है और इसका प्लुरल जो बनता है तो एफ हटा करके वी ई एस जोड़ दिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन थीप्स। अगला जीके जीएस का प्रश्न यहाँ से स्टार्टिंग है,
प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, तो विटामिन सी के कारण होता है। ए के कारण रतौंधी होता है, विटामिन B1 में अलग अलग सीरीज होता है, तो B1 के कारण बेरी बेरी होता है, विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सा है, तो फीमर होता है जो जांघ में पाया जाता है, स्टेपीज कान में पाया जाता है, ह्यूमरस जो है बाह या भुजा में बोल सकते हैं, अल्ना जो है हाथ में पाया जाता है। अगला है जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो जल की संशुद्धि में पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है KMnO4 होता है। अगला करें किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक है, ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होता है। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है, तो मानसिक तनाव। एक विद्युत चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत आवेश के जो प्रवाह की दर होता है उसे विद्युत धारा कहा जाता है। हैजा किसके कारण होता है, हैजा नामक जो रोग होता है वो आपको जीवाणु के कारण होता है, तो जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर B जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था, तो जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। बायो में नाइट्रोजन का कितना प्रतिशत होता है, तो बायो में नाइट्रोजन 78.03% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% पाया जाता है। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि क्या है, ढोकला जो है एक गुजराती व्यंजन है खाने वाला, तो इसका जो है खमीरीकरण प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, तो टाइफाइड बुखार जो है जीवाणु के कारण होता है, इसका जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। आधुनिक टीवी की स्क्रीन किससे बनी होती है, तो प्रकाश उत्सर्जक वाले डायोड से। विद्युत की प्रेस, हीटर, विद्युत केतली आदि जो है किस तत्व से बनी होती है, तो यह नाइक्रोम का बना होता है। ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी का कारक क्या है, तो इसका कारण जो होता है जीवाणु होता है, ब्रुसेला एबोर्टस नामक जीवाणु के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु अति संक्रामक रोग चेचक के लिए जिम्मेदार है, तो चेचक के लिए जो जिम्मेदार होता है बेरिसेल्ला विषाणु। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर पहली बार जजिया लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न संख्या है निम्नलिखित में से कौन सा वक्र करों की दर तथा सरकारी राजस्व के बीच संबंध दर्शाता है, तो लाफर वक्र, जबकि लॉरेंज वक्र जो है आय की असमानता को दर्शाता है, लॉरेंज। दोदा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो दोदा बेटा जो चोटी है वह नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो भारत का राष्ट्रपति जो अपना त्याग देता है वह उपराष्ट्रपति को देता है। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज था, और मीर कासिम के तरफ से ही शुजाउद्दौला भी था, शाह आलम द्वितीय था, लेकिन यहाँ नन ऑफ दी दे दिया गया इसलिए कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि मीर कासिम के तरफ से ए नंबर ऑप्शन ऐसे सही होगा, लेकिन नन ऑफ दीज यहाँ पे नहीं रहा, क्योंकि इसके साथ और भी शुजाउद्दौला भी था और शाह आलम द्वितीय था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही यहाँ पे सेट में दिया गया है। बिम्बिसार किस वंश का राजा था, तो बिम्बिसार जो था हरियक वंश का राजा था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह 544 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा था। अगला प्रश्न संख्या राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था, तो राजा भोज परमार वंश के था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, इसकी राजधानी जो थी धार था। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो प्राकृतिक उपग्रह में आर्य चंद्रमा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किया था, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत गुरु अंगद देव ने किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है, तो यहाँ देख लेते हैं सभी का लिंगानुपात, 996 तमिलनाडु का था, 973 गोवा का था, 973 कर्नाटक का था, सिक्किम का
90 था, तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो यह 73वां संविधान संशोधन। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह 1931 ईस्वी में हुआ था। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकता है या रोक सकता है? तो 14 दिनों के लिए। वह दर जिस पर भारत बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को ऋण देता है क्या कहलाता है? तो रिवर्स रेपो दर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है, रथ यात्रा कहाँ मनाया जाता है? तो पूरी उड़ीसा में। इजराइल की संसद का नाम क्या है? तो इजराइल के संसद का नाम नीसेट या नेसेट होता है। डाइट जो है यह जो है जापान के संसद का नाम है, जबकि ईरान का संसद का नाम जो है मजलिस ईरान का है। नेशनल पंचायत यानी कि राष्ट्रीय पंचायत यह जो है नेपाल का है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? उत्तर मीमांसा के बाद रायन थे, जबकि जैमिनी जो थे पूर्व मीमांसा के थे, और ऋषि कनाथ वैशेषिक दर्शन के। अगला प्रश्न क्या है, पंचायतों को संवैधानिक आधार प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने किया था? तो यह लक्ष्मी सिंहल समिति ने 1986 ईस्वी में किया था, गठन हुआ था 86 में इसका। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट की दूरी भूमध्य रेखा से कितनी है? तो 876 किलोमीटर। भारतीय थल सेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ? थल सेना का पूर्वी कमांड कोलकाता में है। प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंटी किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा किया था? तो यह देवराय प्रथम के शासनकाल में किया था। तो देवराय प्रथम ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन किसके सदस्य करते हैं? तो राज्यसभा के जो उपसभापति का निर्वाचन होता है उसे जो है केवल राज्यसभा के सदस्य के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे सभापति रहता तो ए ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ उपसभापति इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रशासन को सीधे अपने हाथ में लिया था? तो 1858 के अधिनियम के तहत मुगल का पद भी समाप्त कर दिया गया था। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी जो है इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में किया गया था, जबकि ललित कला अकादमी का 54 में किया गया था। आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। भारत में मानसून सबसे पहले किस स्थान पर आता है? तो भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? रिजर्व बैंक का जो कार्य नहीं है वह जो है व्यापार नीति का निर्धारण करना, इसका कार्य नहीं। बाकी इसका कार्य है बैंकों का बैंक के रूप में, केंद्रीय बैंक के रूप में, सरकार का बैंक का, विदेशी विनिमय का नियंत्रण। भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल को रखा गया है? तो 360 में वित्तीय आपात है, जबकि 352 में राष्ट्रीय आपात की चर्चा है, और 266 में संचित निधि। अगला प्रश्न क्या, संसद के अंतर्गत शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, तो परिक में से एक से अधिक, तीनों शामिल होता है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनहैप्पी इंडिया के इसका जो है बाल गंगाधर तिलक ना होकर के लाला लाजपत राय हो जाएगा। दुर्गेश नंदनी, पंकिन चटर्जी सही है। इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी सही है। निम्नलिखित में से 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी किसने? तो आगा खान। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1986 में। शेयर बाजार का नियामक संस्था कौन सा होता है? तो सेबी, इसका स्थापना 1988 में किया गया था। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो 1986 में। न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है?
प्रतिमा भुल्लर मालडोनाडो। हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला प्रथम राज्य बना है मध्य प्रदेश। 25 मई 2023 को किस राज्य के सीएम ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है? तो राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य जो घोषित किया गया है वह केरल राज्य को घोषित किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हो गया है? तो यह अमेरिका हो गया। अगला प्रश्न क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी है, कहाँ से रखी है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में रखी है। राष्ट्रीय होम्योपैथी सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देहरादून में। किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है? तो सौरभ गांगुली को। अगला प्रश्न क्या? भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेत अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया है? सऊदी अरब के साथ। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा के मुंबई बीच से किया। भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच के लिए किया है। इसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो 2024 में भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष घोषित किया है? तो नेपाल के द्वारा की गई है। गिरी लक्ष्मी योजना और अन्ना भाग योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो कर्नाटक में। आगे मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बता दिया जा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 120 का 84 का आंसर हो जाएगा 20%, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 85 नंबर, इसका आंसर आपको इनमें से कोई नहीं होगा, आंसर आएगा इसका 143 रुपया। अगला प्रश्न क्या? 86 नंबर, इसका आंसर आपको 800 बार आएगा। इसका प्रश्न क्या? 87 का आंसर आएगा सी नंबर। 88 है, इसका आंसर आएगा -5। 89 नंबर है, इसका आंसर आएगा आपको 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे संपूरक का पूरक कौन पूछा, इसलिए इसका 50 आएगा, 50 का पूरक 40 होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। 90 नंबर है, इसका आंसर आएगा डी नंबर ऑप्शन। और 91 नंबर है, इसका आंसर आएगा आपको ए नंबर ऑप्शन 48.43। 92 नंबर है, इसका आंसर 92 नंबर प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर आपको 23%, ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न क्या है? 93 नंबर, इसका आंसर आएगा ए नंबर ऑप्शन। 94 है, इसका आंसर आएगा डी नंबर। 95 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 का ऑप्शन नंबर सी। 97 है, इसका आंसर आएगा सी नंबर। और 98 का आंसर आएगा ए नंबर ऑप्शन 36। 99 नंबर है, इसका आंसर आएगा बुधवार। और 100 और लास्ट नंबर प्रश्न है, इसका आंसर आएगा बी नंबर ऑप्शन। तो कैसा लगा वीडियो, कितना स्कोर आया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसका सॉल्यूशन के साथ हमारे टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।